एकलव्य के इस तरह से ठिठोली करते हुए दिए गए उत्तर से रूपमती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना समझदार समझ रही थी वो इतना ज्यादा वाहियात निकलेगा। वो अपने हर एक अंदाज से सिर्फ रूपमती को प्रभावित करना चाह रहा था। युवरानी रूपमती एक बार फिर एकलव्य से मिलने के बाद अपने महल में वापस पहुंच चुकी थी। वे ना चाहते हुए भी हर पल बस एकलव्य के बारे में ही सोच रही थी। अगर एकलव्य उन वेश्याओं के साथ रंगरलियां मना भी रहा था तो इससे उन्हें क्या परेशानी होनी चाहिए थी। उन्हें तो एकलव्य से घृणा होने लगी थी, लेकिन वो फिर भी उसी के बारे में सोच रही थी। उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी आंखें, वे चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। लेकिन क्या वीरानगढ़ की युवरानी होने के नाते उन्हें ये सब कुछ सोचना शोभा दे रहा था? पता नहीं क्यों, पर युवरानी रूपमती को उस दिन बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। शायद हो सकता है कि रात में जागने की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन वे पूरी रात तो कभी भी नहीं जागी थी। हालांकि युवराज देवराज ने गुस्से में अपनी युवरानी से कह दिया था कि वो उनके साथ कभी भी कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही तो उनका विवाह हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जिन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे वो उसी से अलग कैसे रह सकते थे? वे अपनी युवरानी के पास गए और उन्होंने पीछे से जाकर उनकी कमर को पकड़ लिया। वैसा करके अपनी युवरानी को अपने प्रेम के सागर में डुबो देना चाहते थे, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत। एक बार फिर युवरानी ने उनके हाथों को झटक दिया। उन्होंने अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया। युवराज, आपको हमसे जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल शोभा नहीं देता, रूपमती ने अपने पति से कहा। इस पर भी देवराज को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पहले जिस तरह से अपनी रानी पर गुस्सा दिखाया था उसकी वजह से वो उनसे थोड़ी नाराज थी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। रूपमती बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके पति उन्हें आकर छुए। एक बार फिर जब उनके इस प्रणय निवेदन को उनकी पत्नी ने ठुकरा दिया तो युवराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अगली सुबह युवराज देवराज को अपने एक पड़ोसी राज्य के साथ मित्रता संधि करने के लिए जाना था। युवरानी रूपमती जानती थी कि उनके पति उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और इस मौके का वे पूरा फायदा उठाना चाहती थी। जहां वीरानगढ़ के महाराज युद्ध को ही ज्यादातर समाधान मानते थे, वहीं उनके पुत्र युवराज देवराज संधि और मित्रता को ज्यादा महत्व दिया करते थे। इसलिए वो मित्रता प्रस्ताव लेकर अपने पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने जा रहे थे। युवरानी जानती थी कि वो चाहे जो करे लेकिन उनके पति हमेशा उनकी इच्छा का ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण वीरानगढ़ साम्राज्य देखने की इच्छा है, आप हमारे लिए यात्रा का प्रबंध करके जाइए, हम यहाँ की सभी प्रमुख जगहों को देखना चाहते हैं। युवरानी के इस बात को सुनकर युवराज को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी इस राज्य में आई थी इसलिए राज्य को अच्छी तरह से देखने की उत्सुकता होना आम बात थी। युवराज ने उत्तर दिया, हमें आपको राज्य दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य के हालात कुछ ठीक नहीं है और विशेष रूप से राजमहल और राजमहल के लोगों पर कुछ विपदाएं रही हैं, जिनके कारण हमें आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी अनुपस्थिति के दौरान महल की सुरक्षा घेरा में ही रहें। उनके ऐसा कहते ही युवरानी गुस्से से मुंह बनाते हुए लाल पीली होने लगी। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं करनी दी ना, लेकिन हम भी कोई वस्तु नहीं है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। आपने विवाह के समय हमें वचन दिया था कि आप हमारे सुख का ख्याल रखेंगे, क्या आप वो वचन भूल गए? युवरानी के इन शब्दों को सुनने के बाद और उनके गुस्से को देखते हुए युवराज ने कहा, आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए राज्य भ्रमण का प्रबंध शीघ्र ही कर देते हैं, हम आपके लिए विशेष अंगरक्षकों का एक दल भी नियुक्त करके जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे युवरानी को युवराज के मुंह से यही बात सुनने की प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी सुरक्षा और हमें राज्य दिखाने की जिम्मेदारी आपके सलाहकार एकलव्य को सौंप कर जाएं। अपनी युवरानी की इतनी छोटी सी इच्छा तो देवराज बिना सोचे समझे ही पूरी कर सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए वो अपने कक्ष से निकल गए। इधर रूपमती एकलव्य के साथ राज्य भ्रमण करना चाहती थी, वहीं एकलव्य के मन में रूपमती को लेकर प्रेम जागने लगा था। सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बल्कि वो जहां जहां जाता वहां की सुंदर से सुंदर महिला उसे देखकर आकर्षित हो जाया करती थी। लेकिन उसे अब सचमुच युवरानी रूपमती से प्रेम होने लगा था। वो एक बहुत बड़ा अय्याश किस्म का इंसान था, लेकिन इस बार
सचमुच रानी रूपमती के प्रेम में पड़ गया था। इससे पहले वह न जाने कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ संभोग का सुख ले चुका था, लेकिन उसे कभी भी वैसा अनुभव नहीं हुआ था जैसा उसे रानी रूपमती को सिर्फ देखकर ही हुआ करता था। अपनी युवरानी की इच्छा का ख्याल रखते हुए देवराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो युवरानी की इच्छा अनुसार उनके राज्य भ्रमण का प्रबंध कराए। जैसा कि उन्होंने कहा था, सिर्फ एक ही रथ और दो दासियों और एकलव्य के साथ उन्हें जाना था, वैसा ही प्रबंध करवाया गया था। वन, पर्वत, झरने, गांव, नगर, बाग बगीचे, नदी, तालाब, ऐसे ही देखने योग्य सारी जगहों पर एकलव्य बारी बारी से रूपमती को घुमाने लेकर गया। जहां रानी रूपमती उन सभी जगहों की सुंदरता को देखने में व्यस्त थी, वहीं एकलव्य उस जीती जागती सुंदरता को देखकर अपना मन भर रहा था। सभी जगह घुमाने के बाद एकलव्य रूपमती को वहां लेकर गया जहां पर वो लोहारी का काम किया करता था। उसके लिए काम करने वाले बहुत से मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। दिल ही दिल में न जाने क्यों वो भट्टे की तेज आंच में काम करते हुए मजदूरों को देखकर उन्हें एकलव्य की दशा पर तरस आ रहा था। पूरा दिन भर घूमने के बाद शाम होते ही वे लोग एक नदी के किनारे जाकर ठहर गए। वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत सी बातें करना चाहते थे, लेकिन एक युवरानी को एक लोहार से इतनी बातें करना शोभा नहीं देता। रूपमती ने अपने मन को मना रखा था, एकलव्य एक मामूली सा लोहार था, अगर युवरानी को उसकी किसी बात का बुरा लग जाता तो शायद उसकी जान को भी खतरा होता। इसलिए उसने अपने दिल की बातें भी अपने दिल में ही रखी। नदी के किनारे बैठे हुए दोनों ही लोग इधर उधर देखते हुए नदी में पत्थर फेंक रहे थे। एकलव्य खड़ा था और युवरानी किनारे पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। उनके साथ गए दूसरे अंगरक्षक और सारथी दूर ही रथ के पास खड़े हुए थे। जब दोनों में बातें शुरू नहीं हो रही थी तो एकलव्य ने अपनी कविता की पंक्तियां सुनाना शुरू कर दिया। पल पल हम उस पल को खोजते रहते हैं जो पल कल आने वाला है, उस पल का मोल नहीं करते जो इस पल जाने वाला है। एकलव्य अपनी इस पंक्तियों से जो कहना चाहता था वो बात युवरानी रूपमती तक पहुंच चुकी थी। उसने ये युवरानी को इशारों इशारों में अपनी बात कहने और प्रभावित करने के उद्देश्य से कही थी और इसका असर भी हो रहा था। जब युवरानी उसकी बात समझ गई तो उन्होंने भी जवाब के तौर पर एक पहेली कही, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कोई हाँ में नहीं दे सकता। अगर मेरी इस पहेली का उत्तर दे सको तो मैं मानू कि तुम सच में बहुत चतुर हो। युवरानी ने जिस तरह से ये पहेली पूछी थी उसके बाद तो एकलव्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे प्रमाणित करके दिखाए। ये बात सच है कि उसे अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था और वो ज्ञानी भी था, लेकिन युवरानी की पूछी गई पहेली उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही थी। अपने सिर पर हाथ रखकर थोड़ी देर आंखें बंद करके वो सोचने लगा और फिर उसने अपना उत्तर दिया। युवरानी जी, जिस उत्तर का जवाब कोई भी हमें नहीं दे सकता, आपके इस प्रश्न का उत्तर है, क्या आप मर गए हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई मरा हुआ आदमी कभी जवाब नहीं दे सकता। एकलव्य के इस उत्तर को सुनते ही रूपमती ने उससे कोई दूसरा प्रश्न पूछने की हिम्मत तक नहीं की। वे दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उन दोनों के बीच ना कहते हुए भी बहुत सारी बातें होने लगी थी। अब देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से एक नौकर था और दूसरी युवरानी। दोनों के बीच के फासले काफी हद तक कम हो चुके थे। नदी के किनारे लगे हुए चिकने पत्थर पर चलते हुए अब एकलव्य ने कहा, अगर युवरानी जी बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपसे एक पहेली पूछ सकता हूँ? मैंने भी आपके विवेक और चतुराई के काफी चर्चे सुन रखे, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी बातें झूठी है? तुम्हें हमारे ज्ञान पर कोई शंका है? अगर ऐसा है तो तुम भी हमारे ज्ञान की परीक्षा ले सकते हो, युवरानी ने कहा। वो क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खा सकते मगर फिर भी खाते हैं? एकलव्य की तरफ से पूछे गए इस पहेली का उत्तर बहुत देर तक सोच विचार करने के बावजूद भी रूपमती नहीं दे पाई। उन्हें अपनी हार माने में उलझन और शर्मिंदगी हो रही थी। वे अपने साम्राज्य में अपने गुण और विवेक के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक छोटी सी पहेली का उत्तर वो नहीं दे पा रही थी। एकलव्य उन्हें इस तरह और ज्यादा देर तक परेशान होते हुए नहीं देख पाया और उसने कहा, गंभीर वेग से बहती हुई उस नदी के चिकने पत्थर पर चहलकदमी करते हुए एकलव्य ने कहा, कोई बात नहीं युवरानी जी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी इस पहेली का उत्तर मैं स्वयं आपको बता देता हूँ। उत्तर है धोखा। ये कैसी चीज है जो इंसान एक बार खा ले तो जीवन में उसे दोबारा खाने की भी इच्छा नहीं होती? युवरानी को इस प्रश्न का उत्तर देते देते ही अचानक एकलव्य का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गया। हालांकि वो एक बहुत अच्छा गोताखोर था
लेकिन शायद पानी की गहराई बहुत ज्यादा होने की वजह से वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसके दोनों हाथ ऊपर थे और वो छटपटा रहा था। जब थोड़ी देर में ऊपर नहीं आया तो युवरानी बिना कुछ सोचे समझे उस गहरे पानी में कूद गई। एक मामूली से सेवक की जान बचाने के लिए इस तरह से युवरानी का इतनी गंभीर वेग से बहती हुई नदी में कूद जाना किसी अनहोनी से कम नहीं था। लेकिन रूपमती ने वही किया जो उनसे उस वक्त उनके दिल ने कहा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बालों से पकड़कर एकलव्य को नदी से बाहर किनारे पर ले आया। हमने तो सुना था कि तुम बहुत गुनी हो और बहुत अच्छे गोताखोर हो और आज भी हो, फिर ऐसा कैसे हो गया कि नदी में जाते ही तुम ऐसे डूबने कैसे लगे? युवरानी रूपमती ने हांफते हुए एकलव्य से पूछा। वे दोनों अभी नदी से बाहर निकलकर वहीं पत्थर पर बैठे हुए हांफ रहे थे। युवरानी जी, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे नदी में धक्का दिया। गिरते ही अचानक मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा है, एकलव्य ने रूपमती से कहा। एकलव्य ने जो कुछ कहा था वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। युवरानी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने एकलव्य के बहादुरी और कौशल के किस्से सुन रखे थे। वैसे भी जब से वो वीरानगढ़ में आई थी तब से उन्होंने ऐसी कई अनहोनी घटनाओं का सामना किया था। बहरहाल अब वो दोनों बाहर पत्थरों पर बैठे हुए थे। उनके कपड़े पूरी तरह पानी में भीग चुके थे। युवरानी ने जब देखा कि उनके भीगे बदन को एकलव्य कैसे घूर कर देख रहा था तो उन्होंने खुद को ढकने की कोशिश की। तो आगे उन दोनों के बीच क्या होने वाला था? क्या सचमुच एकलव्य को किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया था? क्या वो सचमुच तैर नहीं पा रहा था या फिर ये कोई साजिश थी? क्या वहां जो कुछ चल रहा था इसके बारे में राजमहल के लोगों को कभी नहीं पता चलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।